हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्लस वन क्लास का फोर्थ चैप्टर, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे आयनिक बॉन्डिंग। आज हम आयनिक बॉन्डिंग के आगे चलेंगे, कुछ करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास आएंगे, जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ भी है, करैक्टरिस्टिक्स हमने पढ़नी है फिजिकल स्टेट, फोर्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सोलबिलिटी, आयनिक रिएक्शंस। ये हमारी कुछ करैक्टरिस्टिक्स होंगी आयनिक कंपाउंड की, कि जो आयनिक कंपाउंड होंगे उनमें ये प्रॉपर्टी हमारे पास मिलेंगी। जैसे सबसे पहले हम बात करें फिजिकल स्टेट की, जो आयनिक कंपाउंड्स मिलेंगे वो जनरली सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। जो आयनिक कंपाउंड मिलेंगे वो किस स्टेट में मिलेंगे हमारे पास? जनरली सॉलिड स्टेट। यह आपको ध्यान रखना है। अब सॉलिड स्टेट में मिलेंगे तो इसका एक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, या क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेंगे। जैसे NaCl का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से एक यूनिट सेल जो प्लस टू का फर्स्ट यूनिट हमारे पास आती है उसमें आता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे एक, जैसे NaCl का हमने बनाया है, जहाँ पे एक आयन जो हमारे पास साइट मिलेगी वो किसकी मिलेगी? Na की, पॉजिटिव की, तो एक किसकी मिलेगी? Cl नेगेटिव की। ऐसे इस तरीके से सारे हुए फैले हुए होते हैं। तो फिजिकल स्टेट की बात करें तो हम फिजिकल स्टेट में हमने क्या पढ़ा कि जो आयनिक कंपाउंड्स मिलेंगे वो जनरली सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेंगे। सेकंड हमारे पास आता है कि आयनिक कंपाउंड्स के बीच में फोर्स कौन सी मिलेगी। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली उनके बीच में हमने पढ़ा था कि आयनिक बॉन्डिंग तो होती है, लेकिन आयनिक बॉन्डिंग बनती कौन सी फोर्स की वजह से है? ये हमारे पास बनती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास क्या होती है? आयनिक बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा टॉपिक वो क्या है हमारे पास कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये क्या होती है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास होती है तो हम कह सकते हैं कि आयनिक और आयनिक कंपाउंड्स होंगे, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? लार्ज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना आपको, जो आयनिक कंपाउंड्स मिलेंगे उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या मिलेंगे? लार्ज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कूलम्स की वजह से आती है, फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक। आगे हमारे पास आती है कि सोलबिलिटी। सोलबिलिटी को पढ़ने के लिए आपको, आपने एक रूल तो पढ़ा ही होगा, लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब हमारे पास है कि पोलर जो होंगे वो डिजोल्व होंगे पोलर के अंदर, और नॉन पोलर जो होंगे बेटा भाई वो हमारे पास नॉन पोलर वो डिजोल्व होंगे किसके अंदर बेटा? नॉन पोलर के अंदर। याद रखोगे आप, पोलर डिजोल्व होंगे पोलर के अंदर, नॉन पोलर डिजोल्व होंगे नॉन पोलर के अंदर। तो इसमें आता क्या हमारे पास, जो आयनिक कंपाउंड्स है, जैसे हमने पढ़ा NaCl, अब NaCl पोलर है या नॉन पोलर है इसका कैसे पता चलेगा? पोलर और नॉन पोलर का पता हम ऐसे लगाएंगे कि जिनसे मिलके कोई हमारे पास कोई भी कंपाउंड बना हुआ है, जिनसे एलिमेंट से मिलके, जिन एटम से मिलके, जिन मॉलिक्यूल से मिलके, अगर उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस है, दैट मीन्स दे आर पोलर इन नेचर। अगर इन इसको तोड़ के देखें, डिसोसिएट करके देखें, तो हमारे पास Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट रहा है, इसका मतलब हमारे पास क्या है? ये पोलर इन नेचर है। अगर ये पोलर हमारे पास है तो इसका मतलब ये पोलर सब्सटेंस में, पोलर कंपाउंड में, पोलर सोल्यूशन में ही डिजोल्व होगा, वरना डिजोल्व नहीं होगा। तो सोलबिलिटी की बात करें थी तो हम कह सकते हैं दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक H2। वाटर के अंदर क्या हो सकते हैं? डिजोल्व हो सकते हैं। आगे हमारे पास आता है क्या कि आयनिक रिएक्शन। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली आयनिक रिएक्शन ही शो करेंगे। क्यों? क्योंकि आयन्स में टूटेंगे तो आयनिक रिएक्शन ही शो करेंगे। आप समझ रहे हैं ना कि आयन्स में टूट रहे हैं तो जो भी रिएक्शन आयन्स में टूटेगी वो आयनिक रिएक्शन शो करेगी। तो आयनिक कंपाउंड्स आयन्स में टूट रहे हैं, पोलर इन नेचर है, तो इसका मतलब हम कहेंगे ये आयनिक रिएक्शन शो करेंगे, ये और कोई रिएक्शन शो
नहीं करेंगे। तो ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होंगी आयनिक कंपाउंड्स की, दोबारा एक बार रिपीट करवा देता हूँ मैं। करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या थी, सबसे पहले फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या था, जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं, और सॉलिड स्टेट में किस में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेंगे ज़्यादातर हमारे पास। दूसरी फॉर्म भी होती है अमोर्फस सॉलिड, बट जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो ज़्यादातर क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर बात करें पार्टिकल्स के बीच में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में काम करेगी, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, लार्ज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा अदर कंपाउंड से। जैसे हम आगे पढ़ेंगे अब कोवलेंट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड्स मिलेंगे, लेकिन इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, उनसे ज़्यादा मिलेगा। बात आई सोलिबिलिटी की, सोलिबिलिटी में हमने बताया था सोलिबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है बेटा भाई घुलनशीलता। तो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये घुलनशील होंगे, लेकिन किन में घुलनशील होंगे, पोलर, पोलर में घुलता, इस रूल के अकॉर्डिंग पोलर में ही डिजोल्व होंगे ये, यानी दे डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक H2। ओके, आगे हमारे पास आता है आयनिक रिएक्शन। तो बेटा भी हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, वो आयनिक रिएक्शन शो करेंगे, और आयनिक रिएक्शन शो करने किस वजह से करेंगे, क्योंकि ये आयन्स में ब्रेकअप होंगे जब इनको डिसोसिएट किया जाता है। आगे हम पढ़ने बेटा भाई कुछ और टॉपिक, जैसे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा भाई कोवलेंट बॉन्डिंग के। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती, उसके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। आयनिक बॉन्डिंग के बारे में हमने पढ़ा था, नेक्स्ट टॉपिक इज कोवलेंट बॉन्डिंग। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये कैसे बनता है, देखो द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर एटम्स। जो आयनिक कोवलेंट बॉन्ड होता है हमारे पास, वो एटम्स के बीच में बनेगा जब क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। म्यूचुअल, देखो एक तो सिंपल वर्ड होता है शेयरिंग, और एक होता है म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है कि इसमें जो भी एटम हमारे पास आपस में जुड़ेंगे वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के हों, वो अलग टाइप की बॉन्डिंग आएगी। तो आपको पढ़ना है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जब कोई भी एटम क्या करता है अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो उनसे जो बॉन्ड बनेगा हमारे पास कौन सा होगा, वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये बात ध्यान से सुनिएगा, आयनिक बॉन्ड जो होता है, आयनिक बॉन्ड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलेंगे वो आयन्स मिलेंगे, जिनके ऊपर या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज मिलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं देयर इज लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, और जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा वो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल हमारे पास इसका पढ़ेंगे, जैसे आप शुरुआत करते हैं हम हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का आपको पता है कि हाइड्रोजन में एक ही एटम, हाइड्रोजन के एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और इसका मास भी कितना होता है, एक। तो जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ जोड़ा जाए, आपने पढ़ा था कि सोडियम को क्लोरीन के साथ जोड़ा जाए, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग आएगी वो पॉजिटिव नेगेटिव के कारण कौन सी आएगी, आयनिक बॉन्डिंग। बट हाइड्रोजन और क्लोरीन में बेटा भी जो बॉन्डिंग आएगी वो कैसे आएगी, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, क्लोरीन के साथ है तो वो अपने सात इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से रखेगा। ये बात आपको मैंने बताई थी कि बॉन्ड क्यों बनता है, बॉन्ड बनता है अपने आठ इलेक्ट्रॉन यानी कि डुप्लेट, वो ऑक्टेट, या फिर अपने दो इलेक्ट्रॉन यानी कि डुप्लेट को पूरा करने के लिए। तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा और ये अपने आठ इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन आए हमारे पास वो कौन से होंगे, वो कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। आई बात में कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्डेड, और यही इसकी क्या कही जाएगी, कोवैलेंसी। अगर इनकी बात करते हैं आयनिक बॉन्डिंग की, तो आयनिक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो क्या कही जाएगी, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, 1। हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है, 1। क्लोरीन की कोवैलेंसी कितनी है, 1। ऐसे ही ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन O2 बनाता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ऐसे रखता है, दूसरा ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसे रखता है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है वो ऐसे होती है,
ये हमारे पास अपने आठ पूरे करता है और ये अपने आप आठ पूरे करता है। तो यहाँ इसकी कोवलेंसी अगर बात करें तो यहाँ इसकी कोवलेंसी बेटा कितनी होगी भाई, टू हमारे पास कोवलेंसी होगी। तो कोवलेंसी के बारे में आपने पढ़ा, कोवलेंसी क्या होती है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयरिंग करके अपना कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो क्या कहलाती है, उसकी कोवलेंसी। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होके एक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं वो हमारे पास क्या होती है बेटा, उसकी भाई इलेक्ट्रोवलेंसी। तो आपको ये याद रखना कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमारी इसकी लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन होगी। ऐसा ही एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं N2 के बारे में। तो N2 के बारे में एग्जांपल पढ़ेंगे तो क्या आएगा, देखो नाइट्रोजन जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं पाँच, पाँच में से तीन यहाँ पर रख दिए, दो यहाँ रख लिए। नाइट्रोजन था उसके तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, दो यहाँ रख दिए। अगर देखें तो इसके ये पाँच पूरे, ये पाँच के साथ तीन पूरे, आठ पूरे, और यहाँ इसके ये आठ पूरे। तो आपको पता चला कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में कितने बॉन्डिंग मिलेगी, ट्रिपल बॉन्डिंग मिलेगी, और यहाँ इसकी कोवलेंसी जो होगी वो कितनी होगी बेटा भाई, थ्री होगी। यहाँ जो कोवलेंसी होगी वो कितनी होगी, वन, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में कौन सा बॉन्ड मिलेगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बेटा भाई कौन सा बॉन्ड मिलेगा आपको, डबल बॉन्ड मिलेगा। जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ जनरली कोवलेंसी टू, जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ कोवलेंसी जनरली वन, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ कोवलेंसी जनरली थ्री। ऐसे हमारे पास कुछ कोवलेंसी के बारे में हमें पढ़ना था। तो याद रखिएगा कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कंडीशन की बात बताऊं मैं कि क्या कंडीशन इसके लिए होगी। तो आप याद रखोगे कंडीशन ये होगी कि एटम के दो एटम्स होंगे उनके बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही कम है, जैसे मैं बताऊं आपको ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसका मतलब इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है, कोई अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता और कोई अपना इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, इसलिए दोनों क्या करेंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअल शेयर करेंगे, और म्यूचुअल शेयरिंग के बाद बेटा कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे ही नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में भी क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो था, इन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन रखे और म्यूचुअल शेयरिंग से कोवलेंसी कितनी आ गई इसकी, थ्री, और बॉन्ड बना दिया हमारे पास। ऐसे ही बेटा हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बट हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्डिंग ही बना सकता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का कर देगा तो ना तो इसके दो पूरे होंगे और ना ही इसके आठ पूरे होंगे। बाकी हाइड्रोजन के ग्रुप से सोडियम, लिथियम, पोटेशियम जितने भी आएंगे वो क्लोरीन के साथ कौन सा बॉन्ड बना देंगे, आयनिक बॉन्ड बना देंगे। तो ये हमारे पास था बेटा भाई कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड, जो आपको याद रखना है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है आपको पता चल गया होगा, कोवलेंसी कैसे होती है ये आपको पता चली होगी। आगे हम पढ़ेंगे बेटा भाई कि कोवलेंट जो बॉन्ड होता है इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बेटा भाई जो आप वीडियो देख रहे हो इसको सबसे पहले तो आप पूरा देखिएगा, जब तक पूरा नहीं देखोगे तब तक नेक्स्ट टॉपिक का भी नहीं पता चलेगा आपको कौन सा आने वाला, और आपको पीछे वाला टॉपिक अगर क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट आपको समझ में भी नहीं आएगा। हम नया चैनल अपना स्कूल का लेके आए हैं सनराइज मॉडर्न स्कूल सरसोद के नाम से, इसके ऊपर ही आपको वीडियोज़ मिलेंगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स वही यहाँ पे दें ताकि हम अच्छी से अच्छे आपको कुछ ना कुछ टॉपिक्स प्रोवाइड करवा सकें, अच्छे से अच्छे मेहनत करके आपको अच्छे से समझा सकें। थैंक यू बेटा भाई, थैंक यू।